गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पुण्य सद्गुरुदेव स्वामी केशवानंद जी कृपा से आज हम इस जगन्नाथ क्षेत्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा पूर्णिमा के शुभ अवसर पर और चंद्र सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के इस साधनात्मक समय में यहाँ हम सब लोग आए हैं। यह हमारे जीवन का उज्ज्वलतम क्षण या हमारे जीवन में एक श्रेष्ठ क्षण कहा जा सकता है। हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में वॉइसेस भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बाहर भी बहुत जगह हैं। द्वारका है, मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, उड़पी श्री कृष्ण है, यहाँ पुरुषोत्तम के रूप में जगन्नाथ के रूप में श्री कृष्ण यहाँ भी विराजमान है। लेकिन यह जो बाकी के क्षेत्र है जैसे द्वारका मथुरा वृंदावन यह सब उनका लीला क्षेत्र था जहाँ उन्होंने अपनी लीलाएं बताई। लेकिन युग से आरंभ युग के आरंभ से लेकर युग के अंत तक श्री कृष्ण यहीं विराजमान होते हैं। इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, पुरुषोत्तम धाम या जगन्नाथ धाम कहा गया है। इस क्षेत्र के बारे में महिमा यह बताते हैं कि जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तो एक दिन एक विजाती जिसमें खाने पीने की आदत थी सब थी और सब बुराइयां उसमें थी, ऐसे एक झोपड़ी में एक स्त्री रहा करती थी, वो द्वारका में थी। तो श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी अपने पति से पूछकर बाहर निकली तो देखती क्या है कि उस झोपड़ी के सामने बहुत बड़ी रंगोली डाली हुई है, गोबर से लीपा हुआ है घर, घर में कुछ पकवान का स्वाद आ रहा है। उस दिन लक्ष्मी के व्रत का दिन था तो वो जो स्त्री थी अपनी आंखों में आंसू लाकर लक्ष्मी का आह्वान कर रही थी, माँ लक्ष्मी इस झोपड़ी में बैठी हुई हूँ, अकेली हूँ, सब लोग छोड़कर चले गए हैं, आप आकर मेरे पर मुझ पर कृपा करो। तो माता रुक्मिणी ने जब देखा उसकी आर्त नाद को उन्होंने सुना, रुक्मिणी ने उस झोपड़ी में झोपड़ी के अंदर गई तो उसने कहा माँ तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो। तो उसने कहा तुम किसका आह्वान कर रही हो। उसने कहा मैं लक्ष्मी का आह्वान कर रही हूँ, तो वो मैं ही हूँ। उसके आनंद का ठिकाना न रहा, उसने उनके चरण पकड़ लिए, उनको नमस्कार किया और कहा कि माँ मुझ पर इतनी कृपा कर दी, जब महालक्ष्मी ने उनके घर में प्रवेश किया तो उसकी झोपड़ी बंगले में बदल गई, बहुत बड़ा भवन हुआ, उसके शरीर पर गहने आ गए, उसके ऊपर कृपा करी और माता उसने कहा माँ इतना सब कुछ तूने मुझे दिया है तो मेरे घर में तो कुछ ना कुछ खा के जा। तो उन्होंने कहा तू कुछ भी नहीं तो दूध शक्कर या खीर मुझे दे दे मैं ले लूँगी, जो गाय का दूध से बना हुआ है। तो उन्होंने वो खाया। बात यह हुई कि उनके घर गई, वो अंतेज थी या क्या थी, उसके घर में रुक्मिणी गई, ये बात भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनके घर वालों को पता चलते ही सब लोग गुस्से में हो गए कि तू अंतेज के घर जाती है, हमारे घर में नहीं आने का। जैसे हमारे घर में हमारे पृथ्वीराज भी है, कभी कभी गुस्सा है तो पत्नी को नहीं आओ मत आओ बोलते, तो उनका गुस्सा पारावार रहता है ना, ऐसा उनको भी हुआ। उन्होंने कहा रुक्मिणी का, रुक्मिणी ने कहा ठीक है मैंने आप नहीं आने को कहते हो तो मैं नहीं आती हूँ, मैं चले जाती हूँ। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी ने कहा कि मैं चले जाती हूँ, कृष्ण के घर में से सब अन्न गायब हो गया, धनधान्य गायब हो गया, कृष्ण के ऊपर से गहने गायब हो गए। अरे परेशान हो गए ये लोग, देखते रह गए ये क्या हुआ। बलराम बोले बड़े भैया ये क्या हो रहा है। हाँ चल चल अपने को सब इतने लोग सब देने वाले हैं ना, किसी के घर को जाके मक्खन चुरा के खाएंगे। जिस घर में भी जाते हैं उस घर में दरवाजा लगा हुआ है, ताला लगा है, कोई आने की बात ही नहीं कहती। अरे बोलिए परेशान होने की बात है, मेरे को कोई बुला रहे नहीं, सब लोग कृष्ण कृष्ण कहा करते थे, आज कोई कह भी नहीं, कृष्ण भी नहीं कह रहा, सब लोग दरवाजा बंद करके बैठे हुए। रुक्मिणी रुट गई, घर की लक्ष्मी रुट गई। तो वहां से कृष्ण ने कहा अपनी बहन सुभद्रा की याद आई जो यहाँ रहती थी। तो बलराम और श्री कृष्ण ने कहा कि चलो हम अपने बहन के पास जाएंगे,
जब वहां से आ रहे थे तो कहते हैं कि जिस श्री कृष्ण को जगत गुरु मानकर सब लोग पूजा करते थे, वो आते समय उनको कोई नहीं लिखा, आदमी एक भी नहीं, दोनों भूख के कारण तरस रहे थे कि भूख लगे हुए कहां से लाए, दोनों खड़ी दोनों भी। आखिरकार ऐसे तैसे करते हुए बहन के पास आए। तो जब बहन ने देखा कि भैया ये तुम्हारी हालत क्या हो गई है, तुम इतने धनवान, इतने सब कुछ तुम्हारे पास, सब ऐश्वर्य था, ऐसे क्यों हो गए? दोनों के मुंह से बात भी नहीं आ रही। बोले पहले भूख लगी, भूख मिटा दे। जैसे ही सुभद्रा अपने मटके में घड़े में देखने गई तो चावल गायब थे। अब सुभद्रा बोली ये तो पूरी हालत बिहार, भैया मेरे घर में भी चावल गायब हो गए। तब बात में नारद भगवान आए, बोले क्या हो रहा है? अरे नारद क्या बोले, देख हमारी हालत क्या हुई है। हाँ प्रभु, नारायण नारायण, काय का नारायण बोल रहा है, हमारी हालत देख, पहले खाने को नहीं है यहाँ। सुभद्रा बोली यहाँ देख तू, यहाँ घर में चावल नहीं है। अरे चावल कहाँ गायब हो गए? थोड़ा फिर नारायण नारायण कहने लगा। प्रभु अब इसका एक ही उपाय है, माता रुक्मिणी के शरण में जाओ और बोलो कि गलती हो गई, तब ये खड़े कर जाए। आप दोनों को तो अहंकार था कि माता रुक्मिणी के शरण में कैसे जाए, क्या बोले? फिर उन्होंने कहा कि बलभद्र बलभैया ने कहा कि भाई तू कुछ भी बोल, मैं तो शरण जाने के लिए तैयार हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, लेकिन मैं जाकर नमस्कार करूँगा, मैं बुला के लाऊँगा ही लाऊँगा, मेरे को भूख लगी है बहुत। तो जैसा ही उनकी तरफ देखा, सुभद्रा की तरफ देखा, सुभद्रा ने कहा भैया मैं भी भाभी को बुला लूँगी, मैं भी क्षमा मांगूंगी, अब रह गए कृष्ण अकेले, पत्नी को क्षमा मांगे तो कैसे मांगे, क्या बोले कि ऐसा क्या करना है? श्री कृष्ण बोले ठीक है उसको बुला के कर लो, बाद में मैं क्षमा मांगता हूँ। सुभद्रा गई, बलराम भैया गए और आह्वान का मंत्र बोले और बोले कि तुम यहाँ आ जाओ, भूखे हैं, तुम्हारे पति भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, राम पर दया करो। रुक्मिणी आई और बाहर ही खड़े रही, क्यों? कि पति जब तक घर से जाओ बोला, जब तक अंदर नहीं आने के लिए उठता तब तक आऊंगी नहीं। अब बात यह हुई कि कृष्ण ने कहा हाँ ठीक है, बहुत हो गया, चलो अंदर आओ। रुक्मिणी ने कहा अगर इस मार्ग में बुलाओगे तो आऊंगी ही नहीं, मार्ग बुलाने का बहुत अलग है, तुम उस मार्ग से बुलाओ तो जरूर आऊंगी। कृष्ण ने कहा अब क्या करूँ, क्या बुलाऊं? क्या ये बुलाने का तरीका हुआ क्या? जाओ बोले जिस टेम्पर से या जिस टेम्पर से आओ बोले, ये कुछ बात हुई। बलभद्र ने कान में कुछ एक मंत्र फूंका, अरे कन्हैया तू पहले से भी पटाने में औरतों को बहुत माहिर है, तो अभी क्यों ऐसा हो गया है, जरा देख तो देख क्या बात है, ये क्या हुई, जरा देखना तो देखना। और कान में मंत्र फूंका तो कृष्ण गए, सीधे हाथ डाले, चल बेटी चल बोले। रुक्मिणी का जैसा ही हाथ पड़ा पिघल गई, बोले चलो। चलने के बाद कहा भूख लगी, सुभद्राय माई ने कहा कि देख वो हंडिया पूरी खाली पड़ी हुई। अरे नहीं मैं आ गई हूँ, हंडिया कैसे खाली है, जाके देखना। तो सारी हंडिया भरी हुई निकली, तो उसने कहा इस हंडी से हमारा पेट भरने वाला नहीं। तो ने कहा सारी हंडिया मैं अभी चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ, 5 मिनट में करती हूँ खाना। तो चूल्हा जलाया, अपने भगवान को आह्वान किया और कहा कि भाई तुम भगवान श्री कृष्ण के लिए भात बनाना है, तुम जल्दी जल्दी दाल भात सब एक हंडे में, एक खंड में भात, एक खंड में दाल, एक खंडे में सब्जी, ऐसा चढ़ाते हुए सब चले गए और हंडियों को लगाया है। तो देखते क्या है, इतनी भूख लगी थी कि कृष्ण ने कहा ये कब पकेगा यार। तो उन्होंने बोली अरे नीचे की हंडी निकालोगे, जल्दी नीचे की हंडी निकाल, पका वाला नजर आएगा। बलभद्र ने कहा नीचे हंडियाँ ये पकाए नहीं, पर ऊपर वाला ही देखेंगे। जैसा ही उन्होंने कहा, नीचे की हंडियाँ पकी हुई नहीं थी, ऊपर की हंडी पकी हुई थी, चावल निकाले। तो कहा ये माँ महिमा तेरी है, अग्नि भगवान तुझ पर प्रसन्न है। तब रुक्मिणी के कहने पर वो जो हाथ का सुभद्रा बहन सुभद्रा ने और वहाँ लक्ष्मी रुक्मिणी ने जैसा पकाया था, आज भी उड़िया में इस जगन्नाथपुरी में वही मटके की हंडी में वही लकड़ियों पर, गैस पर नहीं लकड़ियों पर ही पकाते हैं उनका नैवेद्य जगन्नाथ जी का। और लाए और जैसा ही परोसने लगे
तो कृष्ण को बलराम सब्जी को भूख बहुत लगी थी, उन्होंने सब खाना खाया और जब खाया तो दोनों भी हंसने लगे। सुभद्रा ने कहा रुक्मिणी माता को, क्या भाभी तुमने भी क्या हमारी परीक्षा देखी, और एक तरफ बलभद्र खड़े थे, एक तरफ कृष्ण खड़े थे और सुभद्रा खड़े थे। रुक्मिणी में नारद आए और वह कहा वाह 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 माता लक्ष्मी, तुम्हारी तो बात नहीं, कैसे सूख के लकड़ी हो गए थे तुम्हारे बिना देखो। अब वो तो चिढ़ाने का नारद का काम ही होता है, कुछ ना कुछ झगड़े लगा देना। उसने कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान देखने लगे, नारद अब तो भी चुप बैठ, अब तो इज्जत चली गई पूरी, और तो और इज्जत निकालने के लिए तैयार कैसा खड़े रहे। तो नारद जी ने कहा और रुक्मिणी ने कहा कि मैं आज तक तुम्हारे साथ आठ अष्ट भार्याओं को, सत्यभामा को, गोपिकाओं को तुम्हारे साथ सब तरफ देखा है जगन्नाथ, आज तुम अपने बहन के साथ खड़े हो, अपने भाई के साथ खड़े हो, और यह दृश्य मेरे लिए बहुत आनंदमय है। मैंने आज तक तुम्हारे साथ दूसरे दूसरे स्त्रियों को ही खड़े होते देखा है और उसकी पवित्रता और इसकी पवित्रता में बहुत फर्क है। मैं आज चाहती हूँ कि तुम आज जैसे खड़े हो इस जगन्नाथ मंदिर, इस संसार में आने वाले सारे भक्तों को भाग देने के लिए, उनकी अनार्थी मिटाने के लिए, उनके भोजन को मिटाने के लिए नित्य भंडारा हो, ऐसा ही तुम्हारा तीनों का दृश्य, तुम यहीं खड़े रहो और हमारी सबकी रक्षा करो। इसी प्रकार आज सुभद्रा, बलभद्र और उस नारद की प्रार्थना करने पर, रुक्मिणी माता की प्रार्थना करने पर तीनों वैसे ही खड़े हो गए। अब उनका सारे संसार में उसको पुष्टि हुई और कहा कि तुम्हारा यह दर्शन जो भी लेगा उसके घर में कभी अन्न या धन धान्य की कमी नहीं होगी, इसका आशीर्वाद दो। और रूठी हुई लक्ष्मी भी इनका दर्शन करने के बाद वापस आएगी, इसका आशीर्वाद प्रदान करो। और वैसा ही हुआ। आशीष लिए आज बलभद्र, रुक्मिणी और सुभद्रा का यह दर्शन हमारे लिए धन धान्य प्रदान करने वाला है। ये होते हुए रुक्मिणी पीछे खड़ी हुई भी, कहीं भी हम देखते हैं राधा कृष्ण या रुक्मिणी वल्लभ, रुक्मिणी गोपाल, रुक्मिणी श्री कृष्ण, सत्यभामा कृष्ण, ऐसा देखते हैं। लेकिन यहाँ की विशेषता यह है कि वे वहाँ खड़े हुए थे, एक पहली कथा हुई। दूसरी कथा ये है कि प्रभास क्षेत्र में जहाँ द्वारका है, सोमनाथ का मंदिर है, श्री कृष्ण का अंतिम देह में जिसने बाण मारा था कल्कि ने, उनके अपने को लगा, उनका अवतार कार्य उन्होंने समाप्त किया। प्रभास क्षेत्र का मतलब होता है सोमनाथ का मंदिर। आज भी वहाँ हम देख सकते हैं कृष्ण की, कृष्ण ने जहाँ ने अपने अंतिम सांसें ली थी वो क्षेत्र। तो कहते हैं कि वहाँ कृष्ण के उस, कृष्ण ने जैसे प्राण छोड़े, उनके देह संस्कार हुआ, तो वहाँ उनका हृदय जला नहीं, हृदय वैसा ही रहा। कई लोगों ने नहीं देखा, समुद्र जोर से आए और उस हृदय को बहा ले गया। वो हृदय बहा लेकर बहते बहते हुए जिधर आया वो ये क्षेत्र था, समुद्र से बहते हुए आया। और वहाँ यहाँ के राजा इंद्रद्युम्न थे, उनके सपने में श्री कृष्ण ने जाकर कहा कि मैं मेरे स्थान पर आया हूँ, तू मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा कर। और कहते हैं कि इसके दारू, देवदारू वृक्ष जो होता है, उस देवदारू वृक्ष का एक बहुत बड़ा झाड़ वहाँ से बहते हुए आ रहा था। तो उसमें उसने कहा कि उस खंभे में मेरी प्रतिष्ठा करके मेरी मूर्ति की स्थापना कर। उनके कहने पर उस हृदय को उसमें रखकर प्रतिष्ठा करते हैं और हर 12 साल को उस लकड़ी को बदल देते हैं, लकड़ी का संस्कार करते हैं। आज युगों से यह चले हुए आ रहा है, इसलिए कृष्ण का हृदय यहाँ रहने के कारण आज देखते हैं लाखों लोग, आज जिस कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम यहाँ आए हैं, लाखों लोग, 10 से 20 लाख लोग, रथ यात्रा में तो 10 से 20 लाख लोग होते हैं। इस रथ यात्रा का मतलब क्या है? जब श्री कृष्ण ने यहाँ उनके राजा के कहने पर इस मूर्ति की स्थापना हुई, तो उस मूर्ति को लेकर श्री कृष्ण भगवान अपनी श्रेष्ठता के साथ यहाँ रहने लगे। तो द्वारकावासी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल वाले भी कहने लगे, प्रभु अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमारा क्या, कैसे होगा? तब उन्होंने कहा कि अब तुम्हें इसके लिए तो तुम्हें ये कहना है, सुभद्रा तो सुभद्रा की जगह रहेगी, तो मुझे द्वारका मथुरा जाना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इस आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, वहाँ से हम हमारे द्वारका और मथुरा जाएंगे। ऐसे ही बलभद्र और श्री कृष्ण रथ में बैठे, सुभद्रा भी आकर, मैं तुम्हें सीमा तक छोड़कर आती हूँ, ऐसा कहते हुए वो आई। तब उन्होंने कहा कि माता रुक्मिणी ने कहा कि द्वारका और गोकुल वृंदावन का हाल क्या है, तुम छोड़ गई तो वहाँ पूरी दरिद्रता आ गई है,
तो रुक्मिणी ने कहा तुम्हारे से पहले मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। और रुक्मिणी वहाँ पहुँच गई श्रीराम जी के द्वारका में, और बाद में ये लोग रथ पे निकले। तो ये रथ का यात्रा का क्या है, सुभद्रा जी जहाँ अपने एक श्रेष्ठ स्थान तक छोड़ने हुई आई, छोड़ने के लिए आई, उस स्थान को कृष्ण को वृंदावन और गोकुल में फिर स्थान देने के लिए आई, और फिर वो महान श्रेष्ठ धनवान क्षेत्र होने के लिए यह रथ यात्रा जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाई जाती है। कहते हैं कि उस दृश्य को जो देखते हैं भारत में उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की यात्रा में कोई कमी नहीं पड़ती, और वो रथ यात्रा यहाँ संपन्न होती है, इसलिए उसे जगन्नाथ की रथ यात्रा कहा गया। सुभद्रा ने वहाँ उनको छोड़ने के लिए वहाँ तक आए थे, और वहाँ से फिर पर्वतारोहण और द्वारका गोकुल वृंदावन फिर अपना वास बनाया, जहाँ रुक्मिणी आज भी विराजमान है, और रुक्मिणी कृष्ण के साथ वहाँ पूजी जाती है। यहाँ सुभद्रा बलभद्रा और श्री कृष्ण की पूजा होती है, तो वहाँ उस श्रेष्ठता के साथ उनकी पूजा होती है। यह नंबर दो कहानी। तीसरी कहानी ये कि प्रभु रामचंद्र जी के काल में जब सारा युद्ध समाप्त हुआ और रामचंद्र जी वापस आ रहे थे, वापस आते आने के बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी कठिनाई सुनाई। रामचंद्र ने अपना वनवास सुनाया, सीता जी ने अपना वनवास सुनाया, कहा सब लोग कहने लगे, सब लोग माता के पास अपनी अपनी बात कह रहे थे। लक्ष्मण आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए, तो भरत शत्रुघ्न को उनकी पत्नियाँ उनके साथ थी, 14 साल वनवास हुआ, उन्होंने कोई अनुभव नहीं किया, वो नंदग्राम में ही रहे, लेकिन कम से कम अपने पति को देखते रह गए। सीता भी अपने पति के साथ रही, कहे रावण ले जाना एक महीने के लिए नहीं, लेकिन जिसने 14 साल तक अपने पति को नहीं देखा, जो अकेली रही, तो वो थी उर्मिला। रामचंद्र जी के आते ही जैसे ही रुक्मिणी जैसी उर्मिला ने नमस्कार किया, तो रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण तेरी पत्नी थी कैसी हो गई है, हम सब कम से कम हमारे पत्नियों के साथ थे, हमारी पत्नियां हम अपने पति के साथ थी, लेकिन वो एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ नहीं थी, सच्चा त्याग तो उसका है। इस अयोध्या में अगर हमारा किसी का भी आगमन का अगर कोई हमें श्रेष्ठ मानता है, तो मैं तो कहता हूँ कि हमें नहीं उर्मिला को श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि अपने पति को छोड़कर थी। तब क्या करना भय, लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया आप सब लोग श्रेष्ठ है, हमारा क्या है, हम तो आपकी सेवा में रहने वाले। इस भावना को जब जागृत किया, उर्मिला ने भी कहा कि मैं पति सेवा में थी, मैं कोई बड़ी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने एक वचन दिया कि मैं जहाँ अगले जन्म में रहूँगा वहाँ प्रथम पूजा तेरी होगी और बाद में मेरी पूजा होगी, यह वरदान तुझे देता हूँ। और वो जगन्नाथ में विमला के रूप में आकर आज उर्मिला यहाँ वास करती हैं, और जो विमला की पूजा करने के बाद जगन्नाथ का दर्शन लेता है उसको विमला के उर्मिला ही विमला के रूप में आई थी, और क्षेत्रपाल के रूप में यहाँ पूजी जाती है, ऐसा कहा जाता है। यह एक शास्त्र की यह एक विधान है। इन सबके होने पर भी अब यहाँ इस श्रेष्ठता के साथ साधना इसलिए करनी चाहिए कि अपने सब कुछ होने पर भी लक्ष्मी अगर रूट जाए, लक्ष्मी का रूटना कितने प्रकार का होता है मैं आपको बताता हूँ। पति होने पर भी पति अपने से दूर रहना, और आजकल के जमाने में पत्नी कमाती रहे और पति देखता रहे, अपने पुत्र अपने को ही माता पिता को ही गाली दे, पिता हो लेकिन पिता अपने पुत्रों को ना देखता हो, अपनी जायदाद ना देता हो, जिसके पास जायदाद है लेकिन वो अनुभव करने के योग्य नहीं, या तो कोर्ट कचहरी में है, यानी ये लक्ष्मी के रूठने के विधान है। लक्ष्मी कैसे रूठती है अपने ऊपर, अपने पास तुम्हारे पास जायदाद है लेकिन उसका अनुभव नहीं कर सकते, वो कोर्ट केस में है, या भाई भाई झगड़ रहे हैं, या कुछ भी है, पुत्र है लेकिन हम पुत्र का सुख हमें नहीं मिलता, पुत्र पत्नी के साथ चले गया, या पुत्र पीने वाला है, या पुत्र माता पिता को गालियाँ देता है, ये सारी चीज़ें। पत्नी रहकर भी पति से दूर रहती है, पत्नी छोड़कर जाती है, जिसका भी दूसरा पति पीने वाला पति हो और वो नहीं देख रहा है, पत्नी कमाने वाली हो और पति निष्काम रूप से बैठा हुआ है, पुत्र कमा रहा है लेकिन पिता को कुछ नहीं देता, पितृ पिता होने के बाद भी घर में एक जगह बैठकर एक साथ नहीं बैठकर खाना खाते, ये सारी लक्ष्मी की रूठने की चीज़ें हैं। हमें कभी आज हम पहले ज़माने में देखते थे अपने पिता माता के साथ सब लोग रहते थे, उनको चिरस्थाई से जमीन होती थी, घर अपना घर होता था, अपना गांव होता था, वो कहते थे मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ मुझे यहाँ घर है, मुझे यहाँ जायदाद है, सब है, और वो लक्ष्मी स्थिर रूप में वहाँ रहती थी। लेकिन आज हम भटकते हुए घूम रहे हैं, अमेरिका में जाते हैं, वह बहुत बड़े बात चाव से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में क्या कर रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है, नौकरी थी छूट गई, अरे फिर तुम किस कहाँ को मिले, तुम तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा दार नहीं, तुम्हें पत्नी नहीं, पत्नी हुई तो पत्नी डाइवोर्स में चली गई, पत्नी किसी भी प्रकार का दुख दे रही है, तो ये सारी चीज़ें लक्ष्मी रूपने की चीज़ों को
इन चीजों से अगर हम यहाँ पाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ कि मैंने मेरे माता पिता के कहने पर रुक्मिणी को गाली देकर बाहर से हटा दिया था और उस पाप के कारण मुझे ये सारी चीजें भोगना पड़ा, क्योंकि मैं माता पिता से दूर हो गया। और जो अपने पितरों को विशेष रूप से पूजा नहीं करता, अपने पितरों को खुश नहीं रखता, उनको किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता, इस सारी सुखों को जड़ वो है जो अपने पितरों को प्रसन्न नहीं देखता किसी के किसी भी कारण। और भी एक बात उन्होंने कही थी, कृष्ण और सुभद्रा और बलराम जी से वचन लिया था कि मैं जरूर भगवान कृष्ण तुम्हारे पास आऊंगी, रुक्मिणी ने कहा, तुम हाट भी डले उन्हें, लेकिन ये वचन दो कि तुम इस क्षेत्र में कभी गुस्सा नहीं करोगे, किसी भक्त पर किसी पर भी गुस्सा नहीं करोगे, यहाँ गुस्सा होगा तो उसका पाप द्विगुणीकृत होगा, डबल हो जाएगा, या कोई भी किसी प्रकार का भी गुस्सा करता है तो उसका डबल हो जाता है, यहाँ का पाप भी डबल ट्रिपल हो जाता है, या पुण्य का काम करो, जितना शांत रहो उतनी लक्ष्मी तुम्हारे साथ आती है, जिसने भी किसी प्रकार का भी गुस्सा किया क्रोध किया उसका द्विगुणीकृत फल भोगना पड़ता है। यहाँ उस क्षेत्र में माता लक्ष्मी ने कृष्ण से ये वचन दिया था और कृष्ण ने कहा था कि मैं तो तेरी बात मानता हूँ, यहाँ मेरे क्षेत्र में आकर कोई गुस्से से कुछ कहने या कहे तो उसका पाप उसको लगेगा जरूर, यहाँ अन्नदान का अन्नदान की श्रेष्ठता है, यहाँ जो अन्नदान करेगा और विशेषतः जो मेरे को चाहने वाले और ब्राह्मणों को अन्नदान करेगा या कुछ भी दक्षिणा देगा अपने रूप में जो भी हो सकता है देगा, उसके पितरों को मैं निक्षुण अक्षुण रूप से मैं श्रेष्ठता उसके जीवन में, ये जो मैंने अभी कमियां बताई है वो कमियां जाएगी, जायदाद होने के बाद भी दरिद्र रहना, माता पिता होने के बाद भी अलग रहना, पत्नी होने के बाद भी पति दूर रहना, पति होने के बाद भी रहना, धन होने के बाद भी नहीं भोग सकना या गरीबी रहना, नौकरी का स्थिर नहीं होना, नौकरी का अस्थिर होना, माता पिता को रोगी देखना, माता पिता बेड पर पड़े हुए देखना, हम बेड पर पड़े हुए देखना, ये सारी चीजें लक्ष्मी के रुष्ट होने के बाद होते हैं। तो ये लक्ष्मी रुष्ट होने की का कारण है कि अपने पितर और देवताओं का क्रुद्ध होना, और पितर और देवताओं का क्रुद्ध होना इसलिए होता है जब लक्ष्मी को हम ठीक तरीके से नहीं देखते। तो माता लक्ष्मी ने रुक्मिणी के रूप में माता जी ने यहाँ कहा था कि जो भी यहाँ श्रेष्ठता के साथ अपने पितरों को तृप्त करेगा उसके जीवन में मैंने जो अभाव अभी कहा है, जैसा पत्नी कमाती रहे और हम खाते रहे, पत्नी के गुस्सा के कारण हम गरीब रहें, हमारे जीवन में लक्ष्मी की स्थिरता ना हो, पैसा आए भी चले जाए भी, अब उतना दूर क्यों जाते हो, मैं आपको मेरा उदाहरण देता हूँ, कभी पत्नी गुस्सा हो गई तो समझो उस दिन नुकसान हुआ ही हुआ, पैसे किसी को गए आए नहीं वापस, मेरी लक्ष्मी ऐसी है, मैं इसके ऊपर कहता हूँ कि आप अपनी लक्ष्मी से कभी गुस्सा मत करवाओ, जितना भी हो शांत रूप से आप रहना सीखो तो आपको उस चीज़ का ही मिलेगा, कभी यहाँ क्रोध नहीं करना। और कहा जाता है जिस दिन लक्ष्मी आई थी उनको लक्ष्मी को नीचे खड़े कर कृष्ण और बलभद्र ऊपर से खड़े रहकर बात कर रहे थे, तो लक्ष्मी ने कहा यहाँ जो आदमी जो अपने बड़े लोगों को अपने गुरु को अपने छोड़कर वो उच्च स्थान में बैठता है निश्चित रूप से उसको गरीबी भूलनी पड़ेगी, ये महालक्ष्मी ने कहा, अपना गुरु नीचे बैठा हुआ या अपना गुरु नीचे बैठकर कुछ भी कर रहा हो और अपना ऊपर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से उसके घर में धन का अभाव होगा ही होगा, उसको समस्याएं आएगी आएगी, उसके नौकरी में उन्नति या किस तरह की स्थिरता पैसों में स्थिरता ये होगी नहीं, ऐसा उन्होंने कहते हुए आया और लक्ष्मी मात ये सब समझा रही थी। तो उतने में हुआ क्या कि महर्षि मार्कंडे आए थे और मार्कंडे आकर देखते क्या है कि एक कौवा जोर से उड़ते हुए आया और आते ही महालक्ष्मी को जैसा ही देखा समुद्र में डुबकी लगाई लेकिन वो तड़बड़ा कर मर गया, जैसा ही मर गया वहाँ पूरी विष्णु लोक के सारे रथ और विष्णु से एक पुष्प विमान जैसा विमान एक महान वैकुंठ का विमान आया और उस कौवे को दिव्य रूप देकर देवता लोग को चले गया, उसको पुनर्जन्म नहीं है, कौवा ही जो सब कुछ पाप चीज़ों को भोगता है जो पिंड भोगता है ये सारी चीज़ें वहाँ होती है, वहाँ वो कौवे को मोक्ष मिला। तो मार्कंडेय जी ने देखकर कहा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ ऐसे कैसे हो गया, महालक्ष्मी ने कहा इस क्षेत्र की यह महिमा है, जहाँ आज ज्वंत श्री कृष्ण रहते हैं आप यहाँ गरुड़ को गिद्ध को देख सकेंगे लेकिन एक कौवा भी पुरुषाम क्षेत्र में नहीं देख सकेंगे, ये कारण है कि यहाँ जो पितरों को पिंड देगा उसके घर में फिर पिंड देने का या साध्य करने का या उस पाप का पाप से मोक्ष मिल ही जाता है ये कहा गया है। तो माता लक्ष्मी ने ऐसी कृपा की थी जो उनके ऊपर किसी प्रकार का दोष ना हो, उनके घर में स्थिर लक्ष्मी स्थापन होना चाहते हैं तो पहले पितरों को करो बाद में देवताओं की पूजा करो बाद में श्री कृष्ण जगन्नाथ का दर्शन लो, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी, ऐसा माता ने विवरण दिया। तो हम यहाँ आए हैं तो जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ की पूजा करें,
जगन्नाथ का स्मरण करें। जगन्नाथ जी को स्मरण करने के बाद दूसरे देवताओं की आराधना हम करें, हमारे गुरु हमारे देवता इन सारी चीजों को हम देख सके। यहाँ क्रोध करना, यहाँ किसी प्रकार की गलती करना, या अपने यहाँ किसी प्रकार किसी की चोरी करना या किसी को चोर लेना, ये सारे जीवन में सात जन्मों तक भोगना पड़ता है। और जिसने यहाँ पवित्रता के साथ अपने पितरों को कुछ दिया, जिसने अपने देवताओं की पूजा की, उनकी घर उनके घर में ना चोरी होगी ना पैसा जाएगा और घर में सुख शांति रहेगी। इसके इन सारे को इन सारी चीज़ों को होते हुए भी यहाँ एक महान योगी होके गए जो काशी कलकत्ता के रहने वाले थे, जिनका नाम था विशुद्धानंद जी। विशुद्धानंद जी ने एक बार उनसे पूछा, वे यहाँ उनका आश्रम भी है और विशुद्धानंद जी यहाँ समुद्र में स्नान कर रहे थे, तो एक स्त्री एक राजा की स्त्री थी, उसने आकर कहा कि प्रभु मुझे बहुत दिनों से संतान नहीं है और मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई और मुझे संतान चाहिए। कहते हैं कि आप श्रेष्ठ योगी और श्रेष्ठ संत हैं, महात्मा हैं, योगी है, परमहंस है, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ। ऐसा उन्होंने समुद्र के ऊपर उनके चरण पकड़ लिए। तो उन्होंने कहा, मुझे क्यों मांगती हो, इस जगन्नाथ को मांगो जो वहाँ बैठा हुआ है। तो उसने कहा, मुझे जगन्नाथ नहीं मालूम, मुझे मैं आपको देखकर प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे एक अच्छी सी संतान जो संसार में श्रेष्ठता के साथ हो। तब विशुद्धानंद जी ने कहा, तू मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर यहाँ बैठ जा। और जैसे हाथ पकड़ बैठे, एक बार समुद्र की लाट आई और चले गई, दूसरी बार आई चले गई, तीसरी बार देखते क्या, क्योंकि उसके उस स्त्री के गोद में छोटा सा कृष्ण था, जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल हम कहते हैं, उस कृष्ण को उन्होंने कहा, ये लड्डू गोपाल की पूजा कर तो अवश्य तू गर्भवती होगी और तुझे संतान प्राप्त होगी। तो उसने कहा, प्रभु ये क्या बात कर रहे हैं, कोई क्या समझेगा, मेरी 50 वर्ष की उम्र हो गई है, क्या संतान होगी। सब लोग उनको देखकर हंस रहे थे। कहा कि इस एक साल तक तो इस लड्डू गोपाल की पूजा तो करके देख, तुझे ऐसी संतान होगी जो 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे खानदान का नाम रोशन कर सकेगी, वह श्रेष्ठता के साथ रोशन करेगी। लेकिन शर्त यह है, जैसा ही तुझे संतान होगा, यह कृष्ण लड्डू गोपाल को मुझे ला के देना, मैं काशी में रहता हूँ। उसको संतान हुई, उसके बाद उसको 3 संतानें हुई और वह श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने उस कृष्ण को कृष्ण की मूर्ति को विशुद्धानंद जी को दिया। और विशुद्धानंद जी ने अपने काशी के आश्रम में, ये विशुद्धानंद कारण नाम के से प्रसिद्ध है, आज भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उस कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। तो उसमें जागृत है या नहीं, ये देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे कि इस कृष्ण मूर्ति में श्रेष्ठता क्या है। कृष्ण जन्माष्टमी करते हुए श्री भगवान विशुद्धानंद जी अपने हाथ अपने आँख मूंद कर बैठ गए और कहा, हे प्रभु, एक बार आकर लीला तो बताओ कि आप यहाँ आए थे, इसका हमें प्रमाण कैसे हो। तो उन्होंने कहा, एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया गया और उसके ऊपर कृष्ण की मूर्ति रखी गई और वो कृष्ण का आह्वान कर रहे थे। थोड़ी देर में देख के क्या है कि जैसे बाल गोपाल के कदम चिन्ह होते हैं, वो चिन्ह उस कपड़े पे सफ़ेद कपड़े पे आए और उनका ऐसे इस क्षेत्र की महिमा को लेकर हम कितनी ही बातें बोल लें तो कम है। शायद महर्षि व्यास जी ने भी यही कहा है कि इस क्षेत्र की महिमा, यहाँ देवताओं की महिमा हम अपने मुख से उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ माता सरस्वती का, महालक्ष्मी का, महाकाली का, उसके साथ साथ कृष्ण सुभद्रा भाई बहन का और रुक्मिणी सभी का आशीर्वाद यहाँ है। यहाँ निरोगी काया प्राप्त करने के लिए, यहाँ पितरों को हम किसी प्रकार की शांति प्रदान करने के लिए जो कार्य करते हैं, क्योंकि समय कम है। अभी यहाँ 2:40 से ग्रहण आरम्भ होगा और 6 बजे तक ग्रहण पूर्ण होगा। हम इस ग्रहण की साधनाओं को करने के लिए हम समुद्र के तट पर जाएंगे ही जाएंगे, कि वहाँ ग्रहण की साधना करने से श्रेष्ठता कहा गया है। समुद्र तट के तट पर, नदी के तट पर यह साधनाओं को करना या केवल गुरु मंत्र जप भी करना श्रेष्ठता है। लेकिन जब आप यहाँ आए ही हैं, ऐसे लोग जो अपने को, मैंने जैसे अभी आपको सुनाया, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी लोग कर सकते हैं। जिनका मैंने अभाव था, अपनी नौकरी में शाश्वतता नहीं हो, स्थिरता नहीं हो, अपनी पत्नी की तरफ से कोई, अपने पति की तरफ से किसी प्रकार की कोई अड़चन हो, अपने को जायदाद रहकर भी उसका फायदा न मिलता हो, अपने पास घर नहीं हो, न जायदाद हो, न जमीन हो, ऐसी दरिद्रता अनुभव कर रहे हो, हम बेघर होकर घूम रहे हो, घर के लिए प्रयत्न कर रहे हो, अपने घर में पत्नी भी चिरस्थायी हो, डाइवोर्स ना हो, पुत्र पुत्र भी हमारे साथ हो, हमारे